नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सेंसेक्स 75 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ 33,211 के स्तर पर कारोबार करते हुए देखा गया। वहीं निफ्टी में भी केवल 29 अंकों की बढ़त के साथ 10,185 पर कारोबार करते हुए देखा गया। नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी घोटाले की जांच चल रही है। वहीं सीबीआई ने चेन्नई के ज्वेलर कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के संघ के साथ 824 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का एक और मामला सामने आया है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले एसआर स्टील के ऋणदाताओं ने न्यूमेटल और आरसेल मित्तल की बोलियों को खारिज कर दिया। ऋणदाताओं के अनुसार दोनों ही कंपनियां कानूनी पात्रता परीक्षण में विफल रही हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नई नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दो दिन की बैठक के बाद साल 2018 में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद ब्याज दरें 1.5% से बढ़कर 1.75% हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।